मेरे मना करने के बावजूद तुम बार बार यहां क्यों आ जाते हो? ये मेरा भाई घर है और मुझे यहां आने से कौन रोक सकता? ये मेरा घर है, मेरे शौहर का घर। ये हवेली मेरे आबा अजदाद की निशानी है, इस पे मेरा भी उतना ही हक है जितना कि आपका या आपके मरहूम शौहर का था। तुम्हें इस जायदाद में से तुम्हारा हिस्सा मिल गया है। अब इस घर से और यहाँ के रहने वाले लोगों से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए बार बार मुंह उठा के यहाँ मत आया करो। आप अच्छी तरह जानती हैं कि मैं यहाँ क्यों आता हूँ। रामीन कहाँ है? कौन रामीन? आप मेरी बड़ी हैं, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, मेरी माँ की जगह है आप। मैं आपसे किसी बहस में पड़ना नहीं चाहता। तुम जैसे बदनाम जमाना शख्स को इज्जत की फिक्र कब से होने लगी? तुम्हें क्या पता इज्जत क्या चीज होती है? मैं अपनी बेटी की आखिरी निशानी तुम जैसे अय्याश और खुदगर्ज के हवाले हरगिज नहीं करूंगी। एक मिनट, आपके बाद रामीन का क्या होगा? कभी आपने ये सोचा है? देखिए चची जान, मैं नहीं हूं मैं तुम्हारी चची जान। कोई रिश्ता नहीं है मेरा तुम्हारे साथ। मैं आपके जज्बात समझ सकता हूं, आपका गुस्सा करना भी जायज है। अपनी माजी की गलतियों पर मैं कितना शर्मसार हूं आप सोच भी नहीं सकती हैं। आप प्लीज मेरी बात तहम्मुल से सुन तो लीजिए। तुम्हारे इस तरह शर्मिंदा होने से मेरी बेटी, मेरा शौहर, बीजान, ये सब वापस नहीं आ सकते। तुमने एक नहीं तीन तीन कत्ल किए। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि पूरा खानदान तुमने तबाह बर्बाद कर दिया, फिर तुम इस कदर रिलैक्स और खुश कैसे हो? खुश नहीं हूं मैं, नहीं हूं मैं खुश। रामीन मेरी बेटी है, मेरे जिगर का टुकड़ा है। मैं अपना सारा बिजनेस, सारी फैक्ट्रीज रामीन के नाम से चला रहा हूं। मेरी सारी जायदाद की वारिस है वो। चची जान, मैं बहुत प्यार करता हूं अपनी बेटी से, आप क्यों नहीं मिलने देती मुझे उससे? तुम्हारे इस तरह चिल्लाने और गिड़गिड़ाने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं नरमीन नहीं हूं जो तुम्हारी हर गलती को माफ कर दे। मेरा बस चले ना तो बंदूक की सारी गोलियां तुम्हारे सीने में उतार दूं, लेकिन मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगी, नहीं करूंगी मैं ऐसा। मैंने सिर्फ रामीन की वजह से खुद को जिंदा रखा है, वरना मेरे पास जिंदा रहने के लिए बचा ही क्या है? खुदा की कसम, मुझे रामीन की फिक्र ना होती ना तो तुम्हारा काम मैं तमाम कर चुकी होती। तुम जैसे घटिया शख्स को जीने का कोई हक नहीं है। आइंदा तुम अपनी मरहूस सूरत लेके यहां मत आना, वरना मेरे पालतू कुत्ते तुम्हारा हशर नशर कर देंगे। बस, बहुत सुन ली मैंने आपकी बात। आपसे बहस करने का कोई फायदा नहीं है मेरा ख्याल है। मैंने आपसे कहा था ना कि सीधी शराफत से मेरी बात मान ले, वरना मुझे अपनी बात मनवानी अच्छे से आती है। जो करना चाहते हो करो, मैं तुम्हारी धमकियों से डरने वाली नहीं। अच्छा, दो दिन के अंदर आपको कोर्ट के ऑर्डर्स मिल जाएंगे, फिर रामीन खुद मेरे पास आ जाएगी। और इस बार मैं आपको उससे मिलने से तड़पाऊंगा, देखिएगा।